हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका करियर पॉइंट क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए दोस्तों, अभी बात करने वाले हैं हम भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स की। जैसा कि दोस्तों बहुत सारे लोगों को पता भी चल गया होगा कि 2021 की वैकेंसी आ चुकी है, और इस वीडियो में दोस्तों आपको हम पूरी जानकारी देने वाले हैं कि फॉर्म कब से अप्लाई होना शुरू होंगे और कब इसकी लास्ट डेट रहेगी और इसका एग्ज़ाम दोस्तों कब होगा। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, और दोस्तों आपको ये भी बताएंगे क्या इस बार इसमें लड़कियाँ भी फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी आपको बताएंगे कि इस बार इसमें लड़कियाँ भी अप्लाई कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। इसके लिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर तक देखते रहिए, और भाई वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको इस वीडियो में ये भी जानकारी मिल जाएगी कि इसमें कितने परसेंटेज आपके इंटर में मार्क्स होने चाहिए जिससे कि आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएं। और आपको इसमें यह भी पता चलेगा कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश में कितने कितने परसेंटेज मार्क होने चाहिए तभी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, और इसकी दोस्तों एग्जामिनेशन फीस क्या रहेगी वो भी इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप दोस्तों इस चैनल पर नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के पास पास में बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं यहां से कि इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट क्या रहेगी। दोस्तों वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए, बहुत सारी जानकारी इसमें आपको मिलने वाली है। अगर आपका फॉर्म इसमें नहीं डालना है दोस्तों तो भी ये वीडियो देखिए, क्योंकि आप अपने दोस्तों को इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है 22 जनवरी 2021 से लेकर 7 फरवरी 2021 तक, जैसा कि यहाँ पे आपको पीडीएफ में दिखाई दे रहा होगा। इस पीडीएफ में दोस्तों बहुत सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी नहीं बता पाएंगे, जो इंपॉर्टेंट है वही जानकारी इसमें आपको देंगे। अगर आपको पूरा पीडीएफ पढ़ना है दोस्तों तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट देख ही ली होगी, 22 जनवरी 2021 से लेकर 7 फरवरी 2021 तक रखी गई है। और यहाँ पे दोस्तों ऑनलाइन एग्जाम डेट्स की बात हम करें तो 18 अप्रैल 2021 से लेकर 22 अप्रैल 2021 तक रखी गई है। थोड़ा दोस्तों हम लोग नीचे आएंगे और इसमें बहुत सारी जानकारी दी गई है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं डेट ऑफ बर्थ की। जैसा कि डेट ऑफ बर्थ दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि अगर आपका जन्म दोस्तों 16 जनवरी 2021 से लेकर 29 दिसंबर 2004 इसके बीच में हुआ है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 16 जनवरी 2001 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 29 दिसंबर 2004 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इन दोनों डेट के अंदर आती है तो आप इसमें आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों रही बात लड़कियों की, तो आपको बता दें कि इसमें लड़कियां फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगी, क्योंकि जो एक्स और वाई ग्रुप के जो फॉर्म निकलते हैं एयरफोर्स के, उसमें लड़कियां अप्लाई नहीं कर पाती हैं, केवल ये लड़कों के लिए ही होती है। और चलिए आगे दोस्तों आपको हम बताते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसकी क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे दोस्तों एक्स ग्रुप की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे सीधा सीधा दिया गया है कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश। तो यहाँ पे दोस्तों मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश में दोस्तों 50% अगर आपके मार्क्स हैं तो आप इसमें आराम से फॉर्म डाल सकते हैं। दोस्तों यहीं पे दोस्तों अगर हम बाई ग्रुप की बात कर लें, उसमें भी यही क्राइटेरिया है, अगर आपके इंग्लिश, मैथ और फिजिक्स में 50% मार्क्स हैं तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर 100 नंबर का एग्ज़ाम है तो उसमें मैथ में 50 आने चाहिए, इंग्लिश में 50 आने चाहिए और फिजिक्स में भी आपके 50 मार्क्स होने चाहिए तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक्स और प्लस वाई की बात करें तो उसमें भी यही क्राइटेरिया रखा गया है। यहाँ पे दोस्तों अभी हम एग्ज़ाम पैटर्न की भी बात करने वाले हैं। यहाँ दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न की बात क्या करें, अगर आप एक्स ग्रुप का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको 60 मिनट मिलते हैं, अगर आप वाई ग्रुप का टेस्ट इसमें देने जाते हैं तो आपको 45 मिनट मिलते हैं, और एक्स और वाई यानी अगर आप दोनों का टेस्ट इसमें फॉर्म डालते हैं तो आपको टोटल 85 मिनट्स मिलते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें ये 60 मिनट्स और जो 45 मिनट्स दिए गए हैं या ये 85 मिनट्स दिए गए हैं, इसमें दोस्तों इंग्लिश का पेपर होता है उसमें 20 मिनट्स मिलते हैं, उसके बाद इसमें से तुम्हें जो टाइम मिलेगा वो टाइम मिलता है आपको रागा का जो सेक्शन होता है उसमें मिलता है। जैसे मान लो ये बाई ग्रुप का अगर हम देखेंगे तो इसमें टोटल 45 मिनट्स हैं, तो यहाँ पे दोस्तों जो 20 मिनट्स होंगे वो आपको मिलेंगे उसके लिए इंग्लिश के लिए, और जो बचा हुआ टाइम है वो आपको रागा सेक्शन में जाएगा, वहाँ पे आपको रीजनिंग, मैथ्स वगैरह और जीके के मिल जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों हम थोड़ी बात करने वाले हैं माइनस मार्किंग की। अगर आप टेस्ट देने जाते हैं दोस्तों, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है और इसमें माइनस मार्किंग होती है 0.25 यानी 1/4 की माइनस मार्किंग होगी। अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हो तो 0.25 नंबर्स आपके काट लिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों इसमें बहुत सारी जानकारी हमने आपको दे दी, अगर आप और इसमें बहुत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये पूरा पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर कभी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को फटाफट अभी लाइक कर दीजिए। चलिए भाई जय हिंद, शुक्रिया।